साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा तपह क्रिया ताह सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। करोड़ों करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप तीर्थ यज्ञ आदान पुण्य कर्म फल से जो प्राप्त होता है वो सद्गुरु के संतोष मात्र से सहज ही में प्राप्त हो जाता है। हम अपने मन को श्री चरणों में लगाएं, हृदय को पावन करें, श्री चरणों का ध्यान धरते हुए हृदय को शुद्ध करें। मन ही मन भावना करें कि हम पूज्य श्री के चरणों के सानिध्य में बैठे हैं। सद्गुरु महाराज सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। हम सब पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुँचे हैं और बारी बारी से श्री चरणों की पूजा कर रहे हैं। दोनों चरणारविंद में गंगा जल की धार करते हुए श्री चरणों को पखार रहे हैं, श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं। सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। शुभ मंगल का आशीष पाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाऊं।
गंगा जल श्री चरणों में धार करते हुए दोनों चरण कमल को बड़े प्रेम भाव से प्रीति भाव से नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। दुग्ध से पंचामृत से श्री चरणों को स्नान कराएंगे। पुनः सप्त तीर्थों के जल से चरणारविंद को नहला रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पहुंच रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई सुगंधित चंदन गुरुदेव के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन करें। दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में मस्तक नवाते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा और ग्यारहवां मन के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को गुरु चरणों में अर्पण कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभावश जो कर्म हमसे हो रहे हैं उस सब हम गुरु चरणों में अर्पण करें। हे सद्गुरु भगवान, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, भक्ति को स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं आपके हैं गुरु, बस आपसे हम आपको ही मांगते हैं। दर्शन दे कृपा कर, हे करुणालय वरुणालय, हम सबके बीच चले आए आप, दर्शन दे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार,
आपको दिखाए सच का आईना।